वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट टू एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसको हमें नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो नंबर लाइन के ऊपर क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैं आपको इसके ऊपर मैंने एक बड़ी सी वीडियो बनाई है कि क्या रूल्स होते हैं नंबर लाइन के ऊपर नंबर फ्रैक्शन को रेशनल नंबर को शो करने के लिए। तो वो वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप उसमें पहले बेसिक सीख लें फिर यहाँ पे आइए, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3/4, राइट। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 3/4 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। अब पहली बात तो ये है कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, राइट। तो ये पॉजिटिव है, साथ साथ में ऊपर का नंबर छोटा है इसलिए कैसा है, प्रॉपर है। अब जब कोई नंबर पॉजिटिव होता है और प्रॉपर होता है तो वो कहाँ पे आता है, 0 और 1 के बीच में आता है। मैंने आपको रूल सिखाया था, राइट। तो मैं पहले 0 और 1 की नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये 0 और ये 1। अब देख सकते हो आप यहां पे ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो आपको क्या दिखाता है, पार्ट दिखाता है कि आपको कितने पार्ट बनाने हैं। अब मुझे 4 पार्ट बनाने हैं तो मैं 3 लाइन करूंगा, 1, 2 एंड 3। 3 लाइन करने से ऑटोमेटिक 4 पार्ट हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये 0 से 1, ठीक है, हम इस साइड जा रहे हैं तो हम नंबरिंग यहां से करेंगे, 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो ये रहा आपका आंसर, राइट। सेम -5/8 है, -5/8 इट मींस ये नंबर कैसा है, नेगेटिव है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा है तो ये कैसा है, प्रॉपर है, राइट। अब प्रॉपर है और नेगेटिव है इट मींस ये किस नंबर किसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा, ठीक है। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब 0 यहां पे है तो मैं 0 यहां पे लिखूंगा और -1 यहां पे है तो -1 मैं यहां पे लिखूंगा। अब 0 से -1 की ओर जाएंगे तो नंबरिंग कहां से करेंगे, हम इस साइड से करेंगे। कितने पार्ट करने हैं मुझे, 8 पार्ट करने हैं, इट मींस मुझे 7 लाइनें करनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। अब यहां से हम जा रहे हैं तो नंबरिंग यहां से करेंगे, 1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8। ये रहा आपका आंसर -5/8, राइट। आगे चलेंगे, यहां पे एक और क्वेश्चन था -7/4 यहां से डिस्कस करेंगे। नंबर पहले नेगेटिव में है और ऊपर नंबर बड़ा है नीचे नंबर छोटा है तो ये कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। और इम्प्रॉपर के लिए हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर को पहले मिक्स में ले जाना बहुत जरूरी होता है तो मैं इसको मिक्स में लेके जा रहा हूँ, 4 1 4 -3, राइट। तो अब ये मिक्स में ये आ रहा है, -1 आ रहा है तो -1 है तो मैं इस साइड जाऊंगा तो क्या आएगा, -2। इट मीन्स ये नंबर किसके बीच में आएगा, ये नंबर आएगा -2 एंड -1 के बीच में, -1 लेफ्ट साइड में है, -1 और ये -2, राइट। अब देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स करने हैं आपको, 4 पार्ट्स करने हैं। काउंटिंग यहाँ से करूँगा, -1 से -2 की ओर जा रहे हैं इसलिए, 1, 2, 3, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। सबके आगे क्या था, -1 -1 -1 और -1 -1 3/4, तो आपका ये रहा आपका आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास 7/8 था, चेक कर लेते हैं, 7/8 है। अब यहां से कंक्लूड करेंगे ये नंबर पॉजिटिव है और प्रॉपर भी है, ऊपर नंबर छोटा है आप देख सकते हो, पॉजिटिव है प्रॉपर है इट मींस ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, राइट। चलिए अभी यहां पे 0 यहां पे 1, कितने पार्ट करने हैं आपको, 8 पार्ट करने हैं। काउंटिंग में यहां से करूंगा, 7 लाइन करूंगा तो 8 पार्ट बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट। 1/8 2/8 3/8
4 by 8, 5 by 8, 6 by 8, 7 by 8, राइट। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर था? -8 by 7। कंक्लूड करेंगे पॉजिटिव नंबर है और इम्प्रॉपर है, और बताया था मैंने इम्प्रॉपर में क्या करते हैं, हम मिक्स में लेके जाते हैं। ऊपर का नंबर बड़ा है इसलिए इम्प्रॉपर में आएगा, 8 बड़ा है। मिक्स में लेके जाऊंगा तो मैं 7 बन जा, 7 plus 1। अब ये 1 आया यहाँ पे, तो 1 के इस साइड जाएंगे तो हम क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। कितने पार्ट करने हैं? 7, मतलब मुझे 6 लाइन करनी होगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, ये 1 1 1 1 1 और 1, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या था हमारा, 1 1 by 7, 1 1 by 7, ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ देम आर सेम रेशनल नंबर, इनमें से कौन से रेशनल नंबर सेम है वो आपको पता करना है। तो कोई बात नहीं, पहले -7 by 21 है, इसको मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, -7 into 1 और -7 into 3, 7 7 कट हो गया तो क्या बचा, 1 by -3, राइट। और मैं 3 by 9 को भी क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये 3 3 कट हो गया तो क्या बचा, 1 by 3। यहाँ पे देखिए 1 by -3 और 1 by 3, अब आपको दिखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, मगर एक के आगे यहाँ पे देखो 3 के आगे माइनस की साइन है और ये 1 by 3 के आगे माइनस की साइन नहीं है, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, -2 by 3, इसको माइनस माइनस कट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2 by 3, और देखो यहाँ पे भी क्या है, 2 by 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 by 3। आप देख सकते हो ये दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। सेम इसको सॉल्व करते हैं, 8 by -5, अब इन दोनों का 5 प्राइम नंबर है तो कोई कॉमन फैक्टर निकलेगा नहीं, तो आपका यही आंसर हुआ। मगर 20 -24 और 15 की बात करूं तो -8 into 3 और 5 into 3, 3 3 कट हो गया तो क्या बचा, -8 by 5। आप देख सकते हो माइनस की साइन चाहे ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 by 5 8 by 5, देयरफॉर दे बोथ आर इक्वल। तो ऐसे होता है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, होमवर्क करने में काम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नंबर लाइन के ऊपर नंबर कैसे दिखाते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, अच्छी हुई, काफ़ी सारे रूल्स मैंने समझाए हुए हैं उसके अंदर, तो आप वो भी देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।